أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المشر من المغرب قال إبراهيم فإن الله يأتي من بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب من المغرب فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ <applause> الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني

पिछली क्लासेस की तरफ जाएं तो पहले जो हमने कवर किए थी आयतें आपको याद होगा कि आयतुल कुर्सी जो थी वो हमने जो है दो क्लासेस पहले या तीन क्लासेस पहले जो थी आयतुल कुर्सी हमने कवर की थी और आयतुल कुर्सी के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है और हक और जो बातिल है याने जो गुमराही है और जो हिदायत है वो अया है और जो कोई भी जो तागूती ताकतें हैं उनका कुफर करता है या उनका इनकार करता है और अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आता है तो ए, उसने एक मजबूत सहारे को जो है थाम दिया है जो कि कभी टूटने वाला नहीं ये वाली आयतें गुजरी थी उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट जो गुजरा वो क्या था कि अल्लाह टाइम कवर किया था कि अल्लाह जो है वो ईमान वालों का वली है उनका मददगार है उनका हामी है और उनको अल्लाह सुबहान के लेकर जाते हैं अंधेरों से नूर की तरफ और जो लोग कुफर करते हैं उनके जो अवलिया हैं वो ताबूत है यानी वो ऐसी जो लोग कुफर के ऊपर आमादा होते हैं तो ताबूती ताकतें जो होती हैं जो शैतानी की क़वतें होती हैं वो उनकी जो है मददगार होती हैं और वो उनको अंधे नूर से यानी रोशनी से अंधेरों की तरफ धकेलती हैं और ये अब नाहरेद हाँ और ये इसमें हमेशा रहने वाले तो ये हमने लास्ट टाइम ये आयतें की थी अब उसके बाद जो है तीन वाक़ात का जिक्र आएगा और इनका जो ताल्लुक है जो अभी आयतें जो गुजरी हैं उन्हीं से इनका ताल्लुक है तो हम एक आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट दो वाकयात जो हैं वो कवर कर सकें पहला वाकया जो है वो इब्राहिम के बारे में है और फिर दूसरा वाकया जो है जो वो एक और नबी का जिक्र किया गया है वो उसके बारे में फिर हम तस्करा करेंगे तो इब्राहिम आलम का जो वाकया है वो किस तरह से आयतें शुरू होती हैं अलम तरा अलम में जो हमजा है जो अलिफ है वो किसके लिए आया है वो क्वेश्चन करने के लिए आया है तरा के क्या लम जो है नहीं और तरा के देखा आपने यानी क्या कहा जा रहा है क्या नहीं देखा आपने किसकी तरफ है? के कि डिड यू नॉट सी किसको कहा जा रहा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी इधर देखने से मतलब ये है कि आपने इस मिसाल के ऊपर गौर नहीं किया जैसे इंग्लिश में भी हम कहते हैं ना आई सी आई सी इसका यह मतलब नहीं होता कि आप देख रहे हैं मतलब आ, कि आप उस को समझ रहे हैं आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं <coughs> और उर्दू में भी कहते हैं ना आपने नहीं देखा कि वो क्या हुआ था तो इधर देखने से जो ताल्लुक है कि इस इसके ऊपर आपने गौर नहीं किया या नहीं देखा आपने इला उसकी मतलब इला जो है हर फिजर है प्रपोजिशन है तरफ अलजी अल वो शख्स हाज, हाजा यानी झगड़ा किया जिसने लड़ाई की किससे इब्राहिम से फी में इन बारे में फिर उसके बाद क्या वर्ड आया है फी भी ही उसके रब के बारे में आपने क्या उस शख्स की तरफ नहीं देखा कि जिसने झगड़ा किया इब्राहिम से उसके रब के बारे में भी ही उसके रब यानी किसके रब इब्राहिम आसलाम के रब के अन आता मुल्क अब अल्लाह ताला ने बताया है कि ये उस क्यों वो लड़ किस वजह से रहा है क्योंकि अल्लाह ने उसको एक सल्तनत अता की है एक बादशाहत अता की है अन के आता के उसे दी है हु जो है अटैच वो नाम हो गया कि उसको दी है किसने दी है अल्लाह ने दी है क्या दी है कि अलमुल्क बादशाह वो किस लिए लड़ रहा है अल्लाह ताला के साथ के ताला ने उसको बादशाहत जो है वो अता की है यानी अब ये अल्लाह ताला जो है उसकी एक रीजन बता रहे हैं कि वो किस वजह से जो है वो इब्राहिम के साथ वो झगड़ा कर रहा है अच्छा तो अगर आप गौर करें तो आ, हमने इन दो आयतों से पहले जो आय इस, इस आयत से पहले जो थी अल्लाह वलिया लजीना आमनू लेकिन उससे पहले जो सेगमेंट गुजरा था जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था फमई यकफुर बि तागूती वयुमिन बिल्लाह के जिसने कुफुर किया तागूती फोर्सेस का तागूत किसे इन फोर्सेस के बारे में मैंने बताया था कि रिबेलियस फोर्सेस की बात की जा रही है ऐसी ताकतें जो इंसान को बगावत की तरफ उकसाती हैं अब वो क्या ताकतें होती हैं जो इंसान को बगावत की तरफ उकसाती हैं कि जब इंसान को किसी चीज के ऊपर इख्तियार दिया जाता है जब जैसे आपको जब होता है ना कि जब इख्तियार हाथ में आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आती है हर इख्तियार के साथ इंसान के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय वो इंसान समझने लग जाए कि मैं तो अब इंडिपेंडेंट हूँ मुझे जो इख्तियार दिया गया मैं तो अब खुद मुख्तार हो गया हूँ वो एक इंसान के अंदर इसतना आ जाता है तो ये उसी ताबुती फोर्सेस का ही जिक्र किया जा रहा है तागुती बातिल बातिलक़ुतों का जिक्र किया जा रहा है जो इंसान को जो है बगावत के ऊपर आमादा करती हैं तो अन आता मुल्क में उसकी तरफ इशारा है कि वो किस वजह से लड़ाई कर रहा था वो इस वजह से लड़ाई कर रहा था कि अल्लाह ने उसको जो है एक क़त अता की थी एक ताकत अता की थी एक मुमलिकत अदा की थी बादशाहत अता की थी तो उस बादशाहत की वजह से वो समझने लगा कि मैं तो अब बादशाह ही बन बैठा हूँ। वो अपने आप को जो है एक समझने लगा कि उसको हर चीज पर इख्तियार है वही रब है आपको मालूम है तो ये जो बादशाह जिसका जिक्र किया जा रहा है उसका नाम नमरूद है और ये तफसीर में आपको इसका जिक्र मिलेगा लेकिन कुरान में उसका नाम अल्लाह ताला ने मेंशन नहीं किया है क्योंकि अल्लाह सुबह जो है वो जब अल्लाह ताला तारीखी वाकयात आते हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं जो नहीं मेंशन की जाती और फिर तफ, तफासिर में उनका हवाला जो है वो दिया जाता है कि ये जो है बाइबल में नाम आया था और ये नाम आया था तो ये मुफसरीन जो है ये जाके तहकीक करते हैं और ये हमको बताते हैं कि ये कहाँ पर इसका जो है वो तस्करा किया जा रहा है तो तो अब यहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है इसका कि ये जो बादशाह जो था नमरूद उस जमाने के जो बादशाह होते थे वो समझते थे कि वो खुदा का अवतार हैं जैसे खुदा ने के अवतार हैं कि वो दुनिया में एक खुदा का रूप लेकर आए हैं और उनको अल्लाह ताला ने तमाम ताकतें और कुतें जो हैं उनको वो अता की हुई हैं तो ये जो है इसका जिक्र किया जा रहा है कि वो इब्राहिम के साथ जगड़ पड़ा कि क्योंकि रब के बारे में क्योंकि अल्लाह ने उसको एक जो है बादशाहत अता की थी और इस काला इब्राहिम जब कहा इस जब कला कहा इब्राहिम ने रबी रबी मेरा रब जो या है एंड में वो मेरे के लिए है ठीक है ना रब भीजी मेरा रब तो वो है जो कि यू ही जो कि जिंदा करता है व युमीत और वो मारता है अब आप जाए किसकी तरफ आयतुल कुर्सी की तरफ आयतुल कुर्सी आयत में जो है ना कि अल्लाह अल्लायम तो ये एक अगर आप देखें तो ये सिलसिला जो है आयतों में एक ये मरबूत है कि जो उसमें जिक्र किया गया कि अल्लाह जो है अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं है और वो हयुल क्यूम है अल्लाह सुबहान तला की जात जिंदगी बख्शने वाली है तो इब्राहिम आलाम ने उसी का जिक्र किया कि मेरा रब जो है वो वो है कि जो जिंदा करता है और जो मारता है तो उसने कहा काला तो उसने कहा क्या अना मैं यानि अना अपनी आपको उसने एलिवेट किया कि मैं उह ये मैं जिंदा करता हूँ वह उम्मीद और मैं मारता हूँ तो तफसीर में बताया जाता है कि कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके सामने लाए गए तो जैसे होता है ना कि बादशाहों के सामने झुकना होता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता ये एक वाकया है जो बयान किया गया है मुख्तलफ तफासिर में मुख्तफ तरीके से ये वाक़ बयान किया गया है तो उसने कहा कि मैं जो हूँ तुम्हारा रब जो है कौन है जो तो इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब तो वो है कि जो जिंदगी देता है और जो मौत देता है तो उसने क्या किया कि उसने अपने जो उसके कैदी होते थे उसमें से उसने दो कैदियों को बुलवाया जिनके ऊपर जो है मौत का फैसला जो है हो चुका था और उसने कहा कि एक को मार दो और एक को छोड़ दो और उसने कहा देखो मैंने एक को मार दिया और एक को छोड़ दिया यानी एक को मैंने जिंदगी अता कर दी और एक को मैंने जो है वो मौत अता कर दी यानी कुत और नशे में उसने ये बेवकूफाना किस्म का जो है वो जवाब दिया इब्राहिम सलाम को कि मैं जो हूँ मैं जिंदा करता हूँ और मैं जो हूँ मैं, मैं मारता हूँ तो इब्राहिम सलाम ने कहा <coughs> इब्राहिम हूँ तो इब्राहिम ने कहा कि इसको मैं इसके जो छोटे से दिम, अपने दिमाग के कूजे में या अपनी ताकत के घमंड में जो ये बेवकूफ़ी की, की जो बात कर रहा है इसको मैं इससे बाहर निकाल के लेकर आता हूँ तो इब्राहिम आलम ने कहा फ्न अल्लाह के बेशक मेरा अल्लाह इन्ना जो है हरफ तो है बेशक अल्लाह याती लाता है बिशमसी सूरज को बी जो है वो हरफे प्रेपोजिशन हो गया शम्स किसे कहते हैं सूरज को कहते हैं मिनल मशरक मशरक से फाति बिहा मिनल मगरब फाती यानी तो तुम ऐसा करो कि उसको लेकर आ जाओ बिहा हा जो है वो अटैच प्रोनाउन है कि उसको लेकर आ जाओ मिनल मगरब मगरब से मेरा कि उसने कहा तो इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह जो है वो बेशक सूरज को जो है वो मशरक से लेकर आता है तुम ऐसा करो कि उसको मगरब से लेकर आ जाओ फूहित लजी कफर सो हैरान रह गया वो फ जो है सो यानी तो बुहत वो हैरान रह गया अलजी कफर कि जिसने कुफर किया था अब इब्राहिम इब्राहिमसलम ने कहा कि इसको इसकी जो छोटी सी जो दिमाग में इसकी जो कायनात है जैसे कहते हैं द वर्ल्ड अराउंड हिम उसके दिमाग में उससे मैं इसको बाहर निकाल के लेकर आता हूँ ये सोच रहा है कि मैंने एक को मार दिया और एक को जिंदा कर दिया तो इसको अपनी ताकत के नशे में ये बेवकूफ़ी की बात कर रहा है और इसको चीज समझ नहीं आ रही है कि मैं रब, जो है रबुल कायनात की बात कर रहा हूँ जो आसमान और जमीन का मालिक है और जिसकी जो इकतदार है वो इतना वो फैला हुआ है कि वो वो सोच उसकी सोच से बाहर है तो उसकी एक छोटी सी जो सोच थी उसके कूजे से उसको बाहर लाने के लिए वो जिस अंधेरों में भटक रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात की इस दफा उन्होंने ये नहीं कहा कि रब भी मेरा रब उन्होंने ग्रैंड स्केल पर अल्लाह अल्लाह जिसे कहते लफ्ज अल्लाह का नाम लिया क्या बेशक अल्लाह जो है मशरक वो जो है मशरक से सूरज को लेकर आता है मगरब तो तुम मगरब से लेकर आ जाओ अब जिसे कहते हैं ना कि अब उसको दिखा दिया अल्लाह ताला ने इब्राहिम ने जो ये आर्गुमेंट की तो वो ऐसी आर्गुमेंट थी कि जिसे कहते हैं कि उसकी हद से बाहर उसकी इस्तेत से बाहर इनफैक्ट के इंसान तो, तो जरा सी भी जो हर मूवमेंट इंसान की एक एक चीज एक पल पल भी इंसान नहीं झपक सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर लेकिन उसको जो अल्लाह ने इकतदार दिया था जो उसको हुकूमत दी थी उसका नशा उसके सर पे इस तरह से चढ़ गया था कि वो अपने आप को खुदा समझ रहा था तो इब्राहिम आसाम ने कहा कि मेरा रब जो है वो तो सूरज को जो है वो ईस्ट से लेकर आता है तुम वेस्ट से लेकर आ जाओ तो उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था फबूी कफर बूहिता का क्या वर्ड जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है अः कुरान में दो तीन वर्ड्स हैरानी के लिए कहते हैं एक तो हैरान होना जो, जो है ये वर्ड भी कुरान में है फिर उसके अलावा कोई चीज़ पर अजब जिससे कहते हैं कि कोई चीज़ आपको जो है वो हैरान करे लेकिन आपको समझ ना आए कि उसकी वजह क्या है वो वर्ड भी आया है वहीता का वर्ड जो होता है वो उस वक्त आता है जब आप कोई चीज ऐसी हो कि इंसान के हवास जो है वो ठिकाने आ जाए मबहूत उर्दू में भी वर्ड होता है और बोहिता का वर्ड बहुतान का वर्ड भी जो है वो इसी से है कि किसी पर आप जब बहुतान बांधते हैं तो जैसे किसे कहते हैं ना कि कोई इतना बड़ा झूठ आपने बांधा किसी के ऊपर के जिसकी तो बुहिता जो जो वर्ड यहाँ पर आया वो आया कि ये इतना बड़ा इतनी बड़ी हकीकत थी कि उसकी अकल जो थी वो ठिकाने लग गई कि वो एकदम से हैरान हो गया तो ये क्या रिएक्शन था तो अगर आप देखें तो इससे जो पहली वाली जो आयत थी अल्लाह लजीना आमनु यिजो मिना वो कि अल्लाह जो है अपने वली है ईमान वालों का उनको अल्लाह ताला जो है अंधेरों से नूर की तरफ लेकर जाते लेकिन जो ताबूत का जो लोग जो हैं वो उनके अलिया ताबूद होते हैं यानी शैतानी क़वतें होती हैं जो उनको बगावत पर आमादा करती हैं तो उनके उनका क्या उनके क्या के बारे में क्या कहा गया कि उनको अंधेरों में धकेलते हैं वो अंधेरों में धकेलते हैं तो ये इस तरह के लोग जो होते हैं ये अपनी जत के नशे में जो है एक अंधेरों के अंदर जो होते हैं वो कैद होते हैं तो आपको पता है कि जब कोई बिल्कुल आप अंधेरे में हो राइट अगर आप बिल्कुल अंधेरे में हो और कोई आपकी आंखों के ऊपर एकदम से लाइट डाले तो क्या आपका रिएक्शन होगा आप बिल्कुल अंधेरों में हो और आपका रोशनी से कोई वास्ता ना हो और एकदम से कोई लाइट उधर आ जाए तो क्या होगा कि आंखें जो होती हैं एकदम से चुंदिया जाती हैं राइट आपका ये रिएक्शन होता है तो ये इसी तरह की बात थी कि ये अपनी ताकत के नशे में अपने घमंड में अपने दरबारियों में अपनी शान शौकत में इस तरह से बैठा हुआ था कि जिसे कहते हैं कि उसे कोई चीज का जो है वो वो समझ रहा था कि जैसे वो खुदा है और जब इब्राहिम ने ये बात की तो ये इसी तरह से थी कि जैसे उसकी आंखों के ऊपर किसी ने इस तरह की टॉर्च डाली कि एक सेकंड के लिए उसका जो है माऊफ़ हो गया कि ये बात तो सच है कि सूरज और चांद तो मेरे तस्वरु में नहीं है और मैं अपने आप को इतना बड़ा खुदा जो हूँ वो मान रहा हूँ और तो तुम इब्राहिम ने अब ग्रैंड स्केल पे बात की जैसे आयतुल कुर्सी में है ना कि पहले तो है ला इलाहा अल्लाह क़य्यूम लाता खुजूह फिर क्या है लहू माफिस समावाती वाहफिल मा अर्थ के पूरे आसमान और जमीन जो है वो अल्लाह को बिलोंग करते हैं तो इब्राहिम ने वही बात की कि आसमान और जमीन इनका इख्तियार मेरे रब के हाथ में है और तुम जो हो सूरज को जो है मग़रब से लेकर आ जाओ तो उसने जो है तो वूहित लजी का कहा तो वो हैरान रह गया उनकी इस लाइन ऑफ रीजनिंग पर अल्लजी कफर जिसने कफुर किया था वाहु और अल्लाह लाही नहीं हिदायत देता अल कौमी ना इंसाफ लोगों को कि अल्लाह जो है वो हिदायत नहीं देता जालिमों को जो है हिदायत नहीं देगा जालिम का जो वर्ड है अगेन जो जुल्म का भी जो रूट वर्ड है वो वही है जो अंधेरों के लिए अरबी में वर्ड है जुलूमात का तो जो लोग जालिम होते हैं वो उनको जालिम इसलिए कहा जाता है कि जिसे कहते हैं ना अंधेरे में आपको आप चीजें मिसप्लेस कर देते हैं आप आ, कोई चीज़ कहाँ की रखी होती है आपको समझ नहीं आता ये चीज़ क्या है अंधेरे में आप चीज़ों को सही जगह पे नहीं रखते तो जालिम वो होते हैं जो कि सबके हक अल्लाह के हक़ को मिसप्लेस कर देते हैं जो अल्लाह का हक है वो पहचानने से कासिर होते हैं यानि ये अल्लाह तला ने कहा ये इसमें इस बात का तस्करा किया जा रहा है कि अल्लाह तदायत के दरवाजे खुले हैं अल्लाह ताला अपने जो है अल्लाह वली आमन जो लोग ईमान वाले हैं और जो अल्लाह के ऊपर जो सीधे रस्ते की तरफ आने वाले हैं अल्लाह ताला उनको पकड़ के जो है अंधेरों से निकाल कर उनको नूर की तरफ लेता चला जाता है लेकिन जो लोग इस बात पे बाजिर हों कि उनको अंधेरों में ही रहना है जो अपनी अना के नशे में जो अपनी ख्वाहिशात के खुमार में हैं और जो निकलना ही नहीं चाहते इन अंधेरों से तो अल्लाह ताला उनके ऊपर अल्लाह ताला उनकी बात कर रहे हैं कि जो अपनी तकबर में मुबतला है और अपनी हर धर्मी पर तुले हुए हैं और सच देखना ही नहीं चाहते तो अल्लाह ताला उनको जो है अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह जो है उनको वल्ला कौम गालिमी अल्लाह ताला जो है वो हिदायत नहीं देता तो ये पहला वाकया जो है ये अल्लाह इस इन आयतों के बाद ये वाला आया है ठीक है अब हम चलते हैं दूसरी आयत की तरफ जो इसके बाद है वो है क्या है औकल जी औल्लजी या उस शख्स की मानंद ठीक है औ कल जी औ का क्या मतलब है या ठीक है औ कल जी काफ जो है वो हर तजबी है लाइक वेन यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ पैरल बिटवीन टू के एक चीज दूसरी चीज की मानंद है काफ फिर आएगा उस के लाइक द वन अऊ क्या है या और कल उस शख्स की मर रा जो के गुज़रा अब यहाँ पर एक नया वाक जो है वो शुरू हो रहा है और शुरू जो स्टार्टिंग जो हो रही है वो किससे हो रही है अऊ से हो रही है अऊ का क्या मतलब है या और यानी तो अब यहाँ पे और क्यों आया क्या मतलब है इस बात का पहली बात है कि इस इन दोनों इस यानी इब्राहिम का जो वाकया था उससे पहले जो आयत थी वो क्या थी कि अल्लाह वो वाली आयत थी राइट मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला जो है ईमान वालों का वली है और उनको अल्लाह ताला रोशनी की तरफ लेकर जाता है लेकिन जो लोग जो ईमान वाले नहीं है उनके अलिया जो है वो कौन है तागुती फोर्सेस हैं और वो तागुती फोर्सेस जो होती हैं जो बगावती ताकतें होती हैं उनको अंधेरे की तरफ लेकर जाती हैं तो दो चीजों की तकसीम का जिक्र किया गया राइट तो अब अल्लाह ताला जिन्हें एक एग्जाम्पल हमें ऐसे शख्स की दी के जो जिसे कहते हैं कि वो अपने नशे के घमंड में है यानी वो ताबूती ताकतें जो हैं जो बातिल की ताकतें जो हैं जो शैतानी ताकतें जो है उसको है उन्हीं के नशे में वो फिर रहा है उसकी एग्जाम्पल दी गई तो यहाँ पे अब उनकी एग्जाम्पल दी जा रही है कि जिनको जो अल्लाह जिनका वली है और उनको अल्लाह सुबहान तला जो है अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आते हैं तो अब जो अल्लाह के जो अलिया होते हैं इसमें भी दर्जात होते हैं ना ये अल्लाह की तरफ जो जाने का जो सफ़र है इसके दर्जात होते हैं इसके बड़े लेवल्स होते हैं कोई इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं जो हूँ हिदायत की आखिरी हद पे पहुंच गया हूँ ये दरवाजे दर दरवाजे खुलते चले जाते हैं जिस तरह से इंसान का जो है वो अः जिस तरह से इंसान की रूह जो है वो अल्लाह की तरफ सफर करती चली जाती है तो एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाजा जो है वो खुलता चला जाता है तो अब जो है वो जिक्र किया जा रहा है एक नबी का और किताबों में उनका नाम जो है वो उजैर आलम बताया गया है और ये नबी जो थे उनका किस्सा जो है ये बयान किया जा रहा है कि ये वो वक्त था कि जो जिसे कहते हैं कि बनी इसराइल जो थे उस जमाने के जो मुसलमान आप ये समझिए वो इंतहाई मुश्किल से दो, दो चार थे और उनको जो इसे कहते हैं कि जो जरूसलम जो था उसको ख़त्म कर दिया गया था मतलब जिसे कहते हैं किस तरह से अबेंडन कर दिया गया था कि उस कदर उनको या तो जो बनी इसराइल के थे उनको उनको कैद में ले लिया गया था या फिर वो एक एक महकूम कौम थे और एक मुश्किल वक्त में वो गिरफ्तार थे तो कहते हैं ये उज़ैर सलाम का जो है वो नबी थे उनका जिक्र किया जा रहा है कि वो वो शख्स थे लेकिन अल्लाह ताला ने उनका नाम नहीं दिया क्योंकि खास तौर पे जैसे मैंने कहा कि जहां पर व तआला इस तरह की एग्जाम्पल देते हैं स्पेशली जब काफ यहाँ पर आया है कल लजी कि लाइक द वन यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ की एग्जाम्पल दी जाती है तो वो एक अल्लाह ताला एक ऐसी मिसाल दे रहे हैं कि वो हमें इसलिए दी जा रही है कि हम उससे लेसन लें ये अगर अगर हम कुरान को सिर्फ इस लिहाज से पढ़ें कि ये कोई तारीखी वाकयात पे मबनी किताब है और इसमें वाकयात बताए जा रहे हैं कि इस नबी का ये वाकया था उस नबी का ये वाकया था और यहाँ पर ये हुआ था वहां पर वो हुआ था तो फिर तो ये जिसे कहेंगे कि एक हिस्ट्री की किताब बन के रह जाएगी और हम में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं होगा जो कि कहते थे ये तो असाखिर है ये तो पुराने वक्तों की स्टोरीज हैं लेकिन अगर यहाँ पे आप इस कुरान की लैंग्वेज में गौर करें और कहा कि कल लजीक द वन लाइक द वन इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन से गुजर सकता है ईमान वाले हर जमाने में होंगे और ईमान वालों की जिंदगी में हर में ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब आप इस इस मरहले से गुजर सकते हैं और वो सिचुएशन डिफरेंट होगी लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जहन में जो आएंगे उसी नोयत के होंगे और अल्लाह ताला जो है ईमान वालों का हाथ पकड़ के उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर जाता है तो ये जो है कुरान की जो जबान है जो लैंग्वेज है उसमें ये बातें जो हैं ये पिन्ह हैं तो औ का लजी या वो उस तरह उस शख्स की मानन मर्रा जो के गुजरा अला करियतिन अला पर से यानी उसके ऊपर से ही पास बाय करियतिन एक बस्ती तो औ का लजी मर्रा अला करियतिन एक बस्ती से वो गुजरे वह हिया और ये जो बस्ती थी हिया वो वाव जो है और यानी गिरी पड़ी हुई थी यानी वो डिस्ट्रॉयड थी कमल तौर पे जो थी वो अपने एक सिविलाइजेशन एक पूरी बस्ती जो थी वो खत्म हुई हुई थी बाइबल में इसका जिक्र जो किया गया है आई थिंक प्रॉफिट इजिकल का नाम है इसे आया है आई थिंक इट्स कॉल्ड वैली ऑफ द बोन्स या क्या कि वहां पे वो गिरी भी थी खाविया अला उरुशिया अला ऊपर जो है अर्श की जमा यानी छतें हाँ अपनी छतों पर वो बस्ती गिरी हुई थी अपनी छतों पर यानी कहने का मतलब है कि जब कोई कोई चीज कोई बिल्डिंग गिरती है तो जैसे कहते हैं ना कि जो जो जो, जो छत होती है वो केविन कर जाती है पहले जो है छत गिरती है और जब वो छत गिरती है तो फिर जो साथ की जो चारों तरफ जो दीवारें होती हैं वो उनको सहारा जो होता है मिलना बंद हो जाता है जब उनको सहारा मिलना बंद हो जाता है तो वो भी उसके ऊपर गिर जाती हैं तो ऐसा लगता है कि पहले छत गिरी थी और उसके ऊपर चारों तरफ से सारी सारी जो है दीवारें जो थी वो गिर गई थी तो आ, तो बताया जा रहा है कि उस शख्स की माने के वो वो जो थे वो गुजरे एक बस्ती से और ये बस्ती गिरी हुई थी आला अपनी छतों पर औला तो उन्होंने कहा यानी साहब उन्होंने कहा अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अन्ना के क्यों कर यानी ये ये सवाल कर रहे हैं कि के, के ये किस तरह से युही यु ही जिंदा करेगा हाज हिल्ला इसको यानी करिया को इस करिया को इस बसी को कौन जिंदा करेगा कैसे जिंदा करेगा अल्लाह बद मऊ इसके मरने के बाद यानि अब इसका जो जुमला जो जो ये जुमला जो इस्तेफामिया है ये क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है इसमें किस तरह से पूछा जा रहा है कि हाउ इन वर्ल्ड ये अब किस तरह से मुमकिन है ये होगा कैसे यानी ये जो है इस तरीके से ये सवाल किया जा रहा है कि उन्होंने देखा कि ये बस्ती पूरी की पूरी खत्म हो गई है और उन्होंने देख कर कहा कि ये ही दिस ये इसको इसको कैसे कोई जिंदा करेगा भाई ये तो गॉन है ये तो बिल्कुल ही केस खत्म हो गया कि अल्लाह ताला इसको कैसे जिंदा करेगा बादा बाद मीहा इसकी मौत के बाद हा जो है क्या है उसका मरना यानी इस बस्ती के मरने के बाद इसको किस तरीके से जो है अल्लाह ताला इसको इसको किस तरह से कोई जिंदा करेगा यानी अब ये जो है ये कुफर की स्टेटमेंट नहीं है ये हैरानी की स्टेटमेंट है जिसे कहते हैं ना कि बाज़ बाज़ात आप तो दिमाग में सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे हो सकती है ये चीज़ कैसे और ये ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि हमारे साथ भी होता है कभी हम कोई चीज़ जिंदगी में होती है और हम सोचते हैं ये कैसे हो सकता है कि कभी इस तरह से हो और और आपको पता चलता है कि उसका जवाब आपको मिल जाता है और आप आप, है, आप हैरान हो जाते हैं कि ये वाकई हो सकता है ये क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो हर चीज पर हावी है ये हर एक की पर्सनल जिंदगी में अपनी पर्सनल स्टोरीज होती हैं कि आप सोचते हैं कि जैसे मैंने अपने पर्सनली जो है कहीं पर मैं कैलिफोर्निया गई हुई थी और मैंने किसी को स, एक कन्वेंशन में थी और एक स्पीकर से सुना कि जब तुम लोग अपने शहर जाना जो जाके कुरान स्टडी करना तुम लोग वन ऑन वन तो हम मैं सोच रही हूँ मैं अपने शहर में किसके किस साथ कुरान स्टडी करूंगी इस तरह से जाकर मुझे कौन मिल जाएगा कि मैं वन ऑन वन कुरान स्टडी करूंगी बहरहाल फिर भी मैंने दुआ की अल्लाह ताला से और जैसे कहते हैं कि जब शहर पहुंचने से पहले जब मेरा जब जहाज जो है आ, ट्रांजिट एयरपोर्ट के ऊपर था तो माई टीचर जिनके साथ मैंने कुरान मेमोराइज किया था वो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैं ये भी नहीं कि मैं उनसे कभी पहले उनको जानती थी फर्स्ट टाइम वो मुझे उधर मिले हैं और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ, मेरे साथ आ, आ, कुरान क्यों नहीं मेरा ज्वाइन करती मैंने उन्होंने रिक्वेस्ट भी नहीं किया उन्होंने खुद ही मुझे जिसे कहते हैं कि ऑफर किया लेकिन ये तो इस तरह से इंसान की चीज़ें जिंदगी में होती हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि आपने दिल में ये चीज़ सोची थी ये कैसे हो सकती है ये तो हो ही नहीं सकता लेकिन अल्लाह सुबह की कुदरत जो है वो तमाम चीजों के ऊपर जो है वो हावी है तो बाद अवकात ये इंसान की जिंदगी में इस तरह के सवाल उठते तो ये बहुत बड़ा वाक है मैं अपना मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी इसलिए एक मैं बात थी कि ये हमारी जिंदगी में भी ऐसी आती हैं तो ये जो है हाँ वर्ल्ड इसको कोई जिंदा कर सकता है इस शहर को बद इसके मरने के बाद तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको मुर्दा कर दिया यानी उनकी अपनी जिंदगी अल्लाह ताला ने सल्फ कर ली फ अमाता हूँ सो अमाता के मतलब उनको मार दिया हु जो है वो अटैच प्रोनाउन हो गया कि अल्लाह ताला ने उनको मौत अता कर दी अल्लाह ने मियाँ त आमिन मियाँ तमीन कितने सौ साल तक एक सौ साल तक अल्लाह ताला, ताला ने उनको जो है वो मौत अता कर दी बासा सुमा फिर बासाह हु यानी का मतलब होता है किसी को उठ उठा खड़ा करना हु उनको अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया यानी सौ साल के लिए उनके ऊपर जो थी मौत तारी हो गई और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी अदा की काला अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कम लबिस्त कितनी देर रहे हो अल्लाह तला ने उनसे सवाल किया कि ये कितनी देर रहे हो कला तो उसने कहा लबिस्तु मैं रहा हूं योमन एक दिन औ बद यौ या उस दिन दिन से कुछ कम कि ये जवाब उन्होंने दिया कि मैं एक दिन रहूंगा या एक दिन से कम रहा यानी वो शायद आ, आप सोए थे जिस टाइम पे तो शायद कोई दिन का टाइम होगा फिर उसके जब अगले दिन भी उसी टाइम के अराउंड उठे होंगे तो लगा होगा उनको कि अभी तो मैं सोया था और अभी मैं उठाऊँ यानी इंसान जो है टाइम जो है वो इंसान को उसका अल्लाह ताला जब इंसान की, की नींद आती है और आप सो जाते हैं और आप गायब हो जाते हैं तो इंसान को नहीं पता होता कि आप जो है वो कितनी देर सोए हैं कितनी देर जो है आप, आ, आ, कि, 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 के बाद जो है आप उठ रहे हैं तो कहा कि मैं शायद एक दिन सोया होऊंगा या उससे कुछ कम टाइम पे जो है वो सोया हूँगा और ये बड़ी आ, अमेजिंग सी बात है इवन कुरान में जो है जो क्यामत का भी जो जिक्र आता है जैसे सूरत इसरा में है कि यो मदूक उस दिन अल्लाह लोगों को पुकारेंगे ए, वो, तो वो जो है अल्लाह तला की जो है वह दस्तजीबू नमद और वो वह तजलुना लबिस तुम इला कलीला और वो तुम अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस दिन तुम समझोगे कि तुम तो बहुत ही थोड़ा अरसा जमीन पे रहकर हो चाहे कोई सौ साल की उम्र लेकर गया हो या कोई दस साल की उम्र लेकर गया हो लेकिन हर एक को लगेगा कि अभी तो हमने इतनी सी तो जिंदगी जो है वो गुजारी थी तो उन्होंने कहा कि मैं तो जो हूँ शायद जा, एक दिन सोया हूँ उससे कुछ कम सोया हूँ बल बल्के लबिस्ता तू रहा है मियाँ मियाँ आमिन मियाँ तौ साल आमिन साल एक सौ साल जो है आप रहे हैं उनको अल्लाह ताला ने कहा कि आप एक साल रहे टू देख तो आप देखिए जो है क्या है क्या so, सो उनजुर आप देखिए इला तो आमी का इला का क्या मतलब है टू वर्ड्स यानी तरफ तो आमी का काफ जो है इनमें वो हर वो है अटैच यूनान हो गया कि अपने खाने की तरफ वह शराबी का और अपने पीने की तरफ लम लमयना वो नहीं सड़ गया लम नहीं तना का क्या मतलब है कि वो खराब नहीं हुआ वो सड़ नहीं गया वो उसमें कोई तखय इस तरह का नहीं आया कि जिसकी वजह से वो फेंकना पड़े लम लम्बस बिल्कुल फ्रेश खाना रखा हुआ है वन जोर और देखिए इला हिमारी का अपने गधे की तरफ काफ अगेन अटैचान हो गया हिमार गधे को कहते हैं कि अपनी जो सवारी जो थी उसकी तरफ देखिए हिमारी का वल्ली नज़ाल का और नज़ाल का हम तुझे बनाएंगे हम आपको बनाएंगे यानी अल्लाह ताला उसे ज़रा सलाम से कह रहे हैं कि हम आपको बनाएंगे आयत अल्लीनास लोगों के लिए एक निशानी आया निशानी को कहते हैं अल्लीनास आयत अल्लीनास लोगों के लिए वन्ज़ोर और आप देखिए किसकी तरफ देखिए इलल एज़ामी हड्डियों की तरफ, तरफ. यानी अब ये हड्डियों की तरफ ये जो जिक्र किया जा रहा है अब ये देखें कि ये नहीं कहा गया कि उस गधे की हड्डियों की तरफ देखें इलल एज़ामी हो सकता है कि वहां पे वैसे ही हड्डियां पड़ी हों क्योंकि लोग भी तो जिसे कहते हैं ना एक बस्ती थी और वहां लोग जिसे जो थे उनके भी वो अल एज़ामी आप हड्डियों की तरफ देखिए कईफा किस तरह से नुन शिजुहा हम उन्हें जोड़ते हैं नुन शिजुहा का मतलब होता है इन शजा जो हा जो है वो अटैच होना उन्हें नुन शिजुहा का मतलब जोड़ना से ज्यादा जो है उसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को जो है यू ब्रिंग देम टुगेदर लेकिन अनशजा का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वो मुतहरिक हो जाए कि उनके अंदर एक जिंदगी जो है वो आ जाए नून शिजुहा कि किसी चीज को आप इस तरह से आप यू ब्रिंग इट टुगेदर कि उसके अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि एक जिंदगी जो है वो उ, 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 उनके अंदर आ जाए कोई चीज जो है उसके अंदर एक जिंदगी नमूदार हो जाए तुम नक्सुहा फिर नक्सुहा कि, किस्वा होता है ना कि कोई कप लिबास के लिए होता है जो तो नक्सुहा हम उसे पहनाते हैं लाहमा हम उसे पहनाते हैं गोश्त यानी पहले अल्लाह ताला ने कहा कि देखो हम किस तरह से ये जो हड्डियां हैं जो बिल्कुल ही तबाहशुदा हैं इनको किस तरह से हम जोड़ते हैं उनमें जिंदगी आती है और उनके ऊपर जो है हम ये गोश्त का लिबास जो है उनको पहनाते हैं फलम बस फिर जब उसके ऊपर यानि अब किसकी बात की जा रही है अः की बात की तबयना वाजे हो गया यानी जब उनके ऊपर ये हकीकत वाजे होगी उनका तो सवाल था ना कि इसको अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेंगे तबयना वाजे हो गया लहू उस पर बना का मतलब होता है ना बैना कहते हैं कोई चीज़ को दरमियान में तो बैना का मतलब है कि आपने कोई चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि ये चीज आपको क्लियरली समझ आ रही है कि हक अलग है बातिल अलग है हर चीज जो है अपनी अपनी जगह पे सेपरेट हो जाए सारे फैक्ट्स तो तबैयना लहू उसके लिए उसके लिए वो चीज जो है बिल्कुल आया हो गई वाजे हो गई क्लियर क्लेरिफाई हो गई तो उसने कहा मैं जान गया कि यानी कहते हैं मैं जान गया के अल्लाह जो है अला कुल्ली शई इन कदीर के अल्लाह जो है वो हर चीज के ऊपर कदिर है अल्लाह का मतलब होता है पर कुल्ली शहीन के हर चीज शही इन चीज को कहते हैं कुल्ली मतलब हर और कदीर यानी अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर जो है वो कुदरत रखता है अब जो है तो ये एक वाकया जो है ये बयान किया गया तो ये उजैर आसम का जो वाकया जो है ये इस तरह से बताया जाता है कि ये सौ साल तक के लिए उनको जो है ये सुला दिया गया था और जब ये उठे हैं और सौ साल के बाद ये गए हैं तो जिसे कहते हैं कि लोगों से तो भी जिसे कहते हैं कि किताबों में आता है कि वो भूल चुके थे वो उनको नहीं मालूम थी और इनको हिफ्स थी और इन्होंने जाकर फिर लोगों में दोबारा से जो है वो पूरी उसकी तालीम जो है दोबारा से राइज की और उस कॉम को जो है एक तरह से एक नई जिंदगी मिली तो एक, एक तरीके से इसमें एक सिंबॉलिक ये भी इशारा था कि एक किस तरह से अल्लाह एक मरी हुई कौम को जैसे कहते हैं ना हम लोग अब देखते हैं कि लोग किधर जा रहे हैं कोई की तरफ जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है अब होगा क्या बनेगा क्या सब इतनी तबाही आ गई है इतनी इमोरेलिटी आ गई है इतनी जो है ये लोग किस तरफ जा रहे हैं अंधेरों में भटक रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर फेत है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो वो मुर्दा के अंदर भी जो है वो जिंदगी वो है वो डाल देता है क्योंकि अल्लाह ताला जो है हर चीज़ पर कदीर है तो जाहिर बात है कि सलाम जो थे अब इसमें एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट है जो रियलाइज करना कि कोई चीज के बारे में सवाल होना या कोई चीज के बारे में सोचना जो है वो कुफुर नहीं होता है कुफर वो होता है कि जब इंसान तकबुर में कोई सवाल करता है जो इसजा वाली बात करता है जो किसी चीज का तमस्कर उड़ाता है जिस तरह से जो है निमरूद ने कहा कि मैं तो रब ही हूँ मैं तो जिंदा भी करता हूँ और वो भी करता हूँ तो वो जिसे कहते हैं कि इंसान अपने घमंड में होता है और उस उस तरह से जो है सवाल करना या उस तरह से बात करना जो होता है वो अलग होता है लेकिन ईमान वालों के भी जो होते हैं वो दर्जात होते हैं और उनकी भी एक सोच और उनकी भी एक का, की सोच की मंजिलें होती हैं और अल्लाह ताला उनके एक दर्जे होते हैं तो जिसे कहते हैं ना कि रोशनी से, से मज़ीद रोशनी की तरफ मजीद रोशनी से मजीद रोशनी की तरफ और ये सफ़र जो है ये तखबा की बेसिस पर होता है लोग जितने लोग गॉड कॉन्शियस होंगे जितने अल्लाह ताला के अल्लाह वाले होंगे उनके लिए उतने दरवाजे जो है वो खुलते चले जाते हैं और वो एक जिसे कहते हैं कि रोशनी से मजीद रोशनी की तरफ आते चले जाते हैं और ये उनका सफ़र है जो अल्लाह की तरफ जारी रहता है तो ये वाक जो है ये बयान किया गया अब इसके अंदर जो है इस वाकये के अंदर जो एक बात है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इसमें दो चीजें डिफरेंट तरीके से बताई एक चीज ये बताई गई इसके अंदर कि जब वो सोकर उठे कर सलाम तो उनसे कहा गया कि दो उनको चीजें दिखाई गई एक उनको जो है खाना दिखाया गया और उनका पान जो उनका जो ड्रिंक था वो दिखाया गया और कहा कि देखो ये उसी हालत में है जिस बिल्कुल फ्रेश उसमें कोई तगैर जो है वो रूनमा ही नहीं हुआ है यानि अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि तमाम के तमाम कवानीन जो हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो अल्लाह उनका मुसबल इसबाबाब है लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो उन तमाम चीज़ों को आ, जैसे कहते हैं कि वो रूल्स अल्लाह ताला जो है वो ब्रेक कर दें और कोई चीज़ की एजिंग ही ना हो कोई चीज़ खराब ही ना हो जैसे कुरान में जो वर्ड आता है खालिदीन आफीहा का के जन्नत में लोग हमेशा रहेंगे तो जो खालदा का जो वर्ड है जो जन्नत में हमेशा रहने का वर्ड है उसका मीनिंग यह है कि इंसान इस तरह से रहेगा कि उसके अंदर कोई एजिंग नहीं होगी कोई तगैर नहीं होगा वो हमेशा रहेगा और किसी किस्म का कोई ए, कोई ए, ना एजिंग होगी ना बीमारी होगी ना कोई जवाल होगा और वो खालदी फिहा का वर्ड जो है उसके लिए खालदा का वर्ड जो है वो यूज किया गया है तो अब आप ये देखें कि जासिया की आयतें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो लोग कफुर करते हैं अल्लाह ताला की कि उससे तो वो क्या कहते हैं Especially जो एथियजम की तरफ और जो रुझान है वो लोग क्या, क्या 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 कहते हैं तला ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि ये जिंदगी जो है ना बस हमारी इतनी जिंदगी है ये सब बोलना कि भाई वो क्यामत आएगी और लोग उठेंगे और कोई अब तक कोई मरा है कोई उठाए अब तक जो ये जो है ये सब तो ये तो हमारी इतनी जिंदगी है हम तो यहीं पर ही मरेंगे और यहीं पर ही जो है जिंदा होंगे वमा यू लिकुना एंड नथिंग डिस्ट्रॉयज़ अस एक्सेप्ट टाइम दे हैव नो नॉलेज अबाउट दैट दे और ये लोग खाली जो है ऐसे ही जिसे कहते हैं कि अंधेरे में पत्थर फेंक रहे हैं बात यह है कि जब इंसान कुफर के ऊपर आता है और जब इस अल्लाह ताला को डिनये करने के लिए आता है तो इंसान जो है ना टाइम को खुदा बना दिया कि अब हम सिर्फ ये तो कुछ भी नहीं है ये एजिंग होना मरना ये तो टाइम के साथ जो है जैसे वक्त का इंसान के ऊपर इख्तियार है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो एजिंग होती जाती है और एजिंग हो हर चीज़ की लाइफ होती है और फिर उसके बाद जो है इंसान जो है वो खत्म हो जाता है वमा इल्ला दहर हमें कुछ नहीं मारता सिवाय वक्त के कुछ नहीं मानता सिवाय वक्त ही तो उस चीज की नफी अब आप, आप देखें कि इस वाक्य में किस तरह से की गई अल्लाह तला ने कहा कि, क्या कहा गया कि व शराब ही का, का लम्ह तसन्ना अपने खाने की तरफ देखो और अपने ड्रिंक की तरफ देखो अपने पीने की तरफ देखो ये उसी हालत में मौजूद है जस, जिस हालत में तुमने छोड़ा था यानी जो वक्त था उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सका जिसे कहते हैं ना वक्त के साथ साथ हर चीज जो है उसकी लाइफ होती है आपकी एक्सपायरी डेट है कि इससे पहले खत्म कर दो वरना ये एक चीज खराब हो जाएगी इसके ऊपर वक्त असर अंदाज़ ही नहीं हुआ और ये खाना और ये पीना जो है उसी हालत में मौजूद है जिसमें था तो अगर अल्लाह का हुक्म हो तो कोई चीज एज ना करे को अल्लाह ताला अगर किसी को दायमी जिंदगी देना चाहे अल्लाह ताला किसी को जो है वो उस पर वक्त जो है कोई जो है जिसे कहते हैं कि असर नहीं दिखा सकता ये अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ताला का एक अल्लाह ताला ने दुनिया में कानून रखा है कि ये दुनिया जो है ये फानी है और हर चीज को फना है तो बहरहाल ये तमाम वाक्यात जो है जिनसे हम गुजरते हैं कि एजिंग होती है चीजें भी खराब होती हैं हमारी भी हड्डियाँ जो होती हैं बूढ़ी होने लग जाती हैं हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं तमाम चीज़ों से हम गुजरते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने ये एक मतयन किया है लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म हो तो ना कोई एजिंग हो और ना कोई इंसान जो है उसको अल्लाह तला दायमी जिंदगी अल्लाह तला उसको अता करें तो एक चीज इस, इस आयत में ये बताएगी कि खाने की तरफ जो इशारा किया गया खाने के ऊपर जो है वक्त असरअंदाज नहीं हुआ फिर उसके बाद ये सूरत जासिया की दूसरी आयत आ आती है कि तो वो क्या कहते थे वजलाम आयातुना बत उनके सामने जब हमारी खुली आयतें पढ़ी जाती थी तो उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती थी सिवाय इसके कि हमारे जो आबा इस है उनको वापस लेकर आ जाओ तो। यानी जो मर गए हैं जो हड्डियां हो गई अगर इतने ही तुम बता रहे हो कि आमत आनी है दोबारा होना उनको वापस लेकर आ जाओ ना तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया खुल्ला है जो तुमको जिंदगी देता है या अल्लाह है जो तुमको मौत देता है इला फी और फिर तुमको सब सबको जमा करेगा क्यामत गा के दिन जिसमें कोई शक नहीं है और अक्सर लोग जो है इसके बारे में लाइल है तो अब Uh, तो अल्लाह ताला ने जो दूसरा जो मोड है कि अल्लाह ताला जब उनको दोबारा से जिंदगी अदा करेगा ये फिर दूसरा जो है दूसरी चीज इस आयत में क्या दिखाई जो जहर सलाम का वाकया था कि उन हड्डियों की तरफ देखो कि किस तरह से अल्लाह ताला उनको जोड़ते हैं उनके अंदर जिंदगी की रूह रूकी जाती है और उनके ऊपर गोश्त का लिबास जो है वो चढ़ाया जाता है तो मा ना और फिर उसके बाद जब उनके ऊपर ये हक जाहिर हो गया तो उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह जो है वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक अल्लाह ताला जो है वो हर चीज के ऊपर जो है वो, वो कादिर है तो इस वाक़े के अंदर जो है ये इन दोनों चीजों की जो है अल्लाह ताला की कुदरत के मुख्तलिफ जो पहलू जो थे वो उजागर किए गए कि जब उजैराम उन्होंने इस बस्ती को देखा कि वो गिरी हुई थी और उसको किस तरह से अल्लाह ताला ने जो है वो जिंदगी अता की अब दोनों आयतें जो आज हमने कवर की उसमें क्या चीज हमें नजर आई कि पहली आयत जो थी वो अः अगर हम उसमें देखें कि जो इब्राहिम जो बात कर रहे थे निमरूद से और उसे कहा कि तुम जो भी उसे कहा कि तुम सूरज को लेकर आ जाओ मगरब से और फिर उसके बाद उसकी अक्ल जो थी ठिकाने आ गई लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अल्लाह ताला जो है हिदायत नहीं देते जालिमों को हिदायत नहीं देते इससे हमें एक चीज पता चलती है कि इसमें जो जिक्र किया गया वो किस चीज़ का जिक्र किया गया हिदायत का किया गया सेकेंड जो हमने आज पढ़ी उसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया जिंदगी का, कि का किया गया जिंदगी का किया गया तो पता ये चला कि जो ईमान वालों की जो जिंदगी होती है वो किस चीज के साथ उसका उसका ताल्लुक है उसका ताल्लुक हिदायत के साथ है जो जिस शख्स को हिदायत मिल जाती है अल्लाह हैं ना तुमने उस शख्स को देखा जिसको अल्लाह ने हिदायत दी जैसे वो वो उसको अल्लाह ताला ने एक रोशनी दी है उस रोशनी के साथ लोगों में फिरता है और कोई शख्स ऐसा है कि वो अंधेरों से निकलना ही नहीं जाता यानी अल्लाह ताला के ने एक हिदायत और जिंदगी का साथ जो है जो जिस शख्स को हिदायत मिलती है उसको उसके साथ जिंदगी वाबस्ता है और उसी को जो है वो अबदी जिंदगी जो है वो नसीब होगी हिदायत का ताल्लुक रोशनी का ताल्लुक जिस तरह से सूरज की रोशनी सुबह में आती है अब ये सारी बातें जो है ये जुड़ी हुई है कि किस तरीके से जो है ये लाइट जो है ये एक इर्द गिर्द भी इंसान की लाइट होती है और एक नूर जो है वो इंसान के दिल में होता है और ये नूर जो जैसा कहते हैं ना सुबह होती है रात होती है तो हर चीज साकित होती है हर चीज पर एक तारीखी छाई भी होती है पूरी रात जो होती है एक अंधेरे का लिबास पहन के सो रही होती है और फिर जैसी ही रोशनी की किरणें आती हैं और वो फिर जिसे कहते हैं सुबह सांस लेना शुरू करती है तो हर चीज जिसे कहते हैं कि उसके अंदर एक जो है एक रूप हो जाती है और हर चीज जो है उस रोशनी में और में जो है वो जिंदगी का रंग जो है इख्तियार करती है इसी तरह से इंसान का दिल है कि इंसान का दिल जो भी जो है वो अंधेरों में है और जब ईमान की रोशनी उसको नसीब होती है तो फिर उसे ज़िंदगी जो है वो मिलती है लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी अता करता है कि जो जो जालिम नहीं है जो खुद जो है अल्लाह ताला की तरफ जाना चाहते हैं तो इसलिए आप देखें कि जो ज़ैराम का जो क्वेश्चन था वो कुफर पे नहीं था वो हैरानी का क्वेश्चन था ये कैसे हो सकता है और अल्लाह ताला उनको मजीद रोशनी से मजीद रोशनी की तरफ लेकर गए यानी एक रोशनी का सफर उनको फ्रॉम लाइट टू लाइट के उनके सामने एक ऐसी हकीकत उनको अल्लाह तला ने ऐसी आयतें दिखाई के वो कहते हैं कि अल्लाह तला हर चीज के ऊपर जो है वो कादिर है तो अलहमदिल्ला तो आज हमने जो है कि आयतुल कुर्सी फिर आयतुल कुर्सी के बाद जो बीच की आयतें थीं उनका तस्करा किया फिर उसके बाद जो है ये दो वाक़ हैं इसके बाद एक तीसरा वाक़ भी है तो इन जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसे कवर करेंगे वो भी इसी जमन में आता है और फिर उसके बाद हम मजीद जो है ये डिस्कस करेंगे तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं इन शजाक़ैर